हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं जो हमारी लाइफ को बेहद आसान बना देते हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं और आप अपने किचन के कामों को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काम तो हम सब लोग करते ही हैं, लेकिन इन टिप्स को फॉलो करके हम अपने काम करेंगे तो हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी और बहुत ही आसानी से हम अपने कामों को कर सकते हैं। तो प्लीज़, जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो करती हूँ अपने टिप्स की शुरुआत। तो प्लीज़ 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 टिप्स को बिना स्किप किए देखिएगा और बताइएगा ये टिप्स आपको कैसी लगी। ये डेली यूज की टिप्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहली टिप्स है मेरी कोकोनट ऑयल को लेकर। तो फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल सर्दियों में हर घर में लगाया ही जाता है, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग नहाकर आते हैं या हाथ पैर वॉश करते हैं तो हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं हाथ पैरों पर हम कोकोनट ऑयल नहाने के बाद ज़रूर लगाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ शायद आप लोग भी लगाते होंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार होता है हम लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और हमें कोकोनट ऑयल गर्म करना याद नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेकंडों में आपका जो गोले का तेल है कोकोनट ऑयल, वो पिघल कर तैयार हो जाता है। तो उसके लिए क्या किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बाउल में पानी लिया है, उसको गर्म कर लिया है और बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं किया है, मैंने उसको हल्का गर्म कर लिया है और कुछ सेकंड के लिए कोकोनट ऑयल का जो डब्बा है उसको उसके अंदर रख दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ ही सेकंडों में हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो पिघल गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, जिससे आपकी बोतल जलने का खतरा रह बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हल्का पानी गर्म करिएगा, उसी में इस प्लास्टिक के डिब्बे को रखिएगा और जिससे ये डब्बा जले ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई है तो कढ़ाई हल्की अभी गर्म है सब्जी की, तो उसके ऊपर मैंने रख दिया है। आप चाहे तो दूध गर्म हो रहा है उसके ऊपर कुछ सेकेंड के लिए रख सकते हैं। अगर आपके घर में सब्जी, चाय, कुछ भी बन रही है उसके ऊपर रख दें और ये बहुत जल्दी पिघल कर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से शहद भी जम जाता है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, तो उसको भी पानी में सब्जी के ऊपर, दूध के ऊपर रखकर पिघला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी टिप्स है मेरी स्किन केयर को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह गुलाब जल की बोतल है जिसके ढक्कन में मैंने होल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे ये बिखरता नहीं है और अच्छे टाइट बंद हो जाता है, इसलिए मैंने होल कर दिया है जिससे बार बार खोलना नहीं पड़ता है। और इस तरह की अगर डिब्बी है आपके पास, बोतल है, तो उसके अंदर ढक्कन ऐसा होता है जिसके अंदर ऑलरेडी होल बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये है ग्रीसलिन, थोड़ी ही बची है क्योंकि हम इसको ही इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बाकी तो इस्तेमाल हो गई है, थोड़ी ही ग्रीसलिन बची है, लगभग 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून यहाँ पर ग्रीसलिन बची है। और अभी इसी में हम 4 टेबल स्पून गुलाब जल मिलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रीसलिन थोड़ी चिपचिपी होती है जिससे बोतल में चिपक जाती है, तो ग्रीसलिन के बोतल में ही मैंने गुलाब जल डाल दिया है, उससे ही उसको वॉश कर लेंगे, जो भी ग्रीसलिन लगी हुई है वो अच्छे से छूट जाएगी गुलाब जल के अंदर। तो यहाँ पर 2 चम्मच ग्रीसलिन, 4 चम्मच गुलाब जल मैंने ले लिया है। अगर आपकी स्किन को नींबू लेमन सूट करता है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम, मेरी स्किन को सूट नहीं करता है, लेमन रेडनेस हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हनी शहद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है हनी। हनी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, इसलिए गुलाब जल, ग्रीसलिन के अंदर थोड़ा सा हनी ज़रूर मिलाएं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल लिया है ग्रीसलिन, 4 चम्मच गुलाब जल, 1/2 चम्मच शहद। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और डेली सोते टाइम आप अपने हाथ पैरों पर इसको लगाकर सोइएगा। 4 दिन में ही आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा, आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही हो जाएगी अगर आप लिक्विड को इस तरीके से मिक्स करके लगाते हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली टिप्स है मेरी, हमारे इस तरीके से गिलास, कटोरे, बर्तन कई बार फंस जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद भी निकलते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार होता है कटोरी के अंदर कटोरी, गिलास के अंदर गिलास, और भी बर्तन होते हैं जो बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और हम लोग इस तरीके से ताकत लगाते रहते हैं, लेकिन वो होते हैं कि हिलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत मशक्कत की है लेकिन ये गिलास नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके का कोई भी आप बर्तन फंस जाए तो यहाँ पर
मैंने ये सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, घी, कोई भी चिकनाई आप इस तरीके से ले लेंगे और जो बर्तन फंसा है उसकी किनारी पर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छोटे मुँह की बोतल है, उसी की मुँह से मैंने इसके चारों ओर ये सरसों का तेल लगा दिया है। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ही इसको ऐसे घुमाते रहेंगे और कुछ सेकेंड के बाद भी आपके बर्तन बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गिलास बहुत ही आसानी से अलग हो गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगली टिप्स है मेरी इन कंटेनर को लेकर। जो भी हमारे पास कंटेनर होते हैं, कई बार होता है कि हम इसके अंदर चीनी, चाय की पत्ती, जो भी मसाले डालते हैं और वो जो कंटेनर हो जाता है वो हो जाता है फुल। कई बार हम सोचते हैं कि चलो इसको पूरा भर लेते हैं, ज़्यादा दिन चल जाएगा, बार बार हमको नहीं भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चीनी के डब्बे में चीनी भर दी है, तो अभी प्रॉब्लम हो जाती है कि चम्मच इसके अंदर पूरी नहीं जा पाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप क्या करिएगा, इस तरीके की कोई भी आपके घर में पड़ी हुए छल्ले रबड़ होते हैं, कोई भी रबड़ ले लीजिएगा, छोटी या बड़ी, आप अपने कंटेनर के डिब्बे के हिसाब से इस रबड़ को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास ये रबड़ पड़ी हुई है, किसी न किसी सामान में रबड़ तो आती ही है, तो इस तरीके से डब्बे के ऊपर रबड़ पहना दीजिएगा और ये बहुत ही आसानी से लूज हो जाती है, जिससे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इस स्पून को डब्बे के साथ में लगा सकते हैं रबड़ की हेल्प से। आपको ज़रूरत पड़े निकालिएगा, कुछ ही सेकंडों में निकल जाती है और फिर से इसको लगा दीजिएगा। तो कैसी लगी ये टिप्स, ज़रूर बताना। आप इस टिप्स को किसी भी मसाले पर, चाय पत्ती, चीनी, किसी भी डब्बे पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप चाय की पत्ती का अगर डब्बा पूरा कर भर लेते हैं तो इस तरीके से चाय की पत्ती की डब्बी और सुंदर भी लगते हैं देखने में और बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, अगली टिप्स है मेरी, हमारे घरों में चीनी, नमक, जो भी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चींटे घुस जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस टिप्स को आप किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप देख रहे हैं हल्की हल्की सीलन सी चीनी में आ गई है, क्योंकि आजकल सर्दी चल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या करिएगा, अगर आप चीनी, शक्कर, गुड़, बूरा, कोई भी चीज़ आप डब्बे में फिल करके रखते हैं, तो इस तरीके का कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। ये आप, मेरे पास कॉटन का कपड़ा है लेकिन है कलरफुल। आपके पास अगर वाइट कपड़ा कॉटन का है, कपड़ा हल्का ही होना चाहिए, उसके अंदर 6 से 7 लौंग मैंने रख ली है, कॉटन का कपड़ा है जिससे लौंग की स्मेल बाहर तक आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हल्का ही कपड़ा लीजिएगा, यहाँ पर मैंने हल्का कपड़ा लिया हुआ है। इस तरीके से फोल्ड करके एक गांठ लगाकर एक पोटली बना लेंगे। तो आप बूरा, चीनी, गुड़, शक्कर में किसी भी चीज़ में लौंग को खुला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पोटली बनाकर डाल दी है। पोटली के अंदर से स्मेल आती रहेगी तो इसके अंदर ना तो चींटी जाएंगी, ना चींटे जाएंगे और ना ही जो सीलन आ जाती है हमारी चीनी में वो आएगी। और आराम से चीनी को साइड से निकालिएगा और ये जो पोटली है वो साइड में पड़ी रहेगी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम इस पोटली को निकाल लेंगे, फिर से चीनी भरेंगे और फिर से इस पोटली को इसके अंदर ही डाल देंगे। और आप इस तरीके से इस पोटली को सालों साल रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये सारी टिप्स फ्रेंड्स, ज़रूर बताना। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक माई वीडियो।